सबसे मुश्किल हर एक चीज़ का स्टार्ट ही होता है, तो मुझे नहीं पता मैं स्टार्ट कैसे करूं। मेरे पीछे नया टीवी है जिसमें मैंने बहुत पैसा लगा दिया है, अब देखते हैं वो पैसा कितना काम आएगा। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चंस की तरफ। कैन यू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम वीडियोस इन अ मोबाइल फ़ोन? आई कैन। अबे तू कर सकता है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? हाउ यू एडिट वीडियोस? विच सॉफ्टवेयर यू यूज़ एंड डू यू लर्न एडिटिंग? एडिटिंग सीखे बिना मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अब एडिटिंग सीखा तभी मैं बैठा, तभी मैं वीडियोस एडिट कर रहा हूँ। अब जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। आई हैवंट सब्सक्राइब यू, स्टिल आई गॉट योर इन्फॉर्मेशन। हाउ? मैं भाई ये बात YouTube से पूछ, मुझसे नहीं। उसकी कोई अपनी एल्गोरिथम वर्क कर रही होगी। फ्यूचर के क्या प्लान है? आई मीन YouTube एंड ऑल, बाय द वे कीप मेकिंग वीडियोस, ग्रीन स्क्रीन। थैंक यू भाई। YouTube, हाँ मैंने सोचा बस YouTube ही करना है, लेकिन फ्यूचर में मुझे बस अंधेरा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अबे ये क्वेश्चन नहीं, ये आंसर है। ओके, कैन यू पुश मी टू 1000 सब्सक्राइबर्स? भाई देख, अगर तेरे को अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए ना, तो तुझे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि तू कर रहा है मुझे दिख रहा है। मैंने तेरा चैनल अच्छे से देखा है और उसमें मुझे बस यही प्रॉब्लम लगी है, जब भी तू वीडियोस अपलोड करता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि तू भाई अपने मार्केटिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तू बस अपलोड कर देता है, बाकी दुनिया देखी जाएगी। और रही बात सब्सक्राइबर पुश करने की, इसमें मैं पुश नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर जिसको सब्सक्राइब करना है तो वो कर लेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा। जिनके लिए मेरा कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो बस वो मुझे मिल रहे हैं अब धीरे धीरे, इतनी मेहनत के बाद, 1.5 से 2 साल हो गए हैं लगभग। और डू यू वाना मेक अ कोलैब विद मी? भाई देख, कोलैबोरेशन की बात ही, कोलैबोरेशन बहुत तरह के होते हैं, कोलैबोरेशन और कोलैबोरेशन वीडियोस के लिए होता है। मुझे पता है कि तेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन तेरा मतलब वही है कि यूट्यूब की वीडियोज़ बनाए, तो हाँ कोलैबोरेट कर सकता हूँ, किसी के साथ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है, मेरे पास एक अच्छा कंटेंट लेकर आओ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आओ जिस पे हम वर्क कर सकें। व्हाट इज़ योर फेवरेट वीडियो ऑन माय चैनल? ब्रो फेवरेट वीडियो बस वही थी कियानो रीव्स की, हाउ टू गेट आइडियाज़ फॉर मेकिंग मीम्स। मीम्स बनाने के जो आइडियाज़ हैं ना, उसके लिए तुझे बहुत सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले ही, बीवी की वीडियो एनालाइज, उससे मैंने हर एक चीज़ बताई है। वेयर डू यू वर्क? मैं अपने घर में काम करता हूँ। हाउ मच डू यू अर्न? हो भी सकता है कि 10,000 कमा लूँ, हो सकता है 15,000 कमा लूँ, हो सकता है 5,000 कमा लूँ, डिपेंड करता है मेरे पास कितना काम आ रहा है। एक फ्रीलांस वर्क करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, बाकी मोस्टली मेरा टाइम यूट्यूब पर ही जाता है। हाउ मच टाइम डू यू डिवोट टू नेचर? ब्रो नेचर इज इन माई ब्रीथ। गिव योर GPS लोकेशन। अबे एटॉमिक बम गिरेगा क्या? वैसे ये बता, तूने क्वेश्चन कहाँ से पैदा कर लिए इतने सारे सोच के? एडिटिंग के अलावा क्या काम करते हो? यार देख, एडिटिंग के अलावा मैं बस एडिटिंग करता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, बाकी नहाता हूँ, धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ जो तू नॉर्मल करता होगा वो भी कर लेता हूँ। एज क्या है? एज जान के क्या करेगा, शादी करनी है। एज मेरी 24। एडिटिंग एप्लीकेशन, बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता, लेकिन तूने पूछा है तो मैं जरूर दूंगा। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। PC स्पेसिफिकेशन, मैं अपने PC का ना डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक, तो उसमें चेक करके जितना भी है, जो भी है, सब कुछ पढ़ लियो, क्योंकि बस मैं नाम बता सकता हूँ, वो है मेरे पास लेनोवो Y520 गेमिंग लैपटॉप। कब सोते हो? यार देख, सोने की रही बात, मेरा जब मन करता है ना मैं तब सोता हूँ। सुबह 5 बज जाते, सुबह 6 बज जाते, दोपहर को 3 बजे सो जाता हूँ, या तो फिर मैं सोता भी नहीं 24 घंटे तक। कभी कभार हो जाता है ऐसा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 6 से 7 घंटे जरूर सोता हूँ, कभी भी, कभी भी। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग फॉर दिस पेज एंड चैनल? इस पेज के लिए और इस चैनल के लिए सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है, वह हूँ मैं। मैं दिन रात बस लगा रहता हूँ, पिछवाड़े का जोड़ लगा रखा है, जो भी होगा देखा जाएगा। बस मुझे इतना पता है, आप लोग मुझे बहुत सही से सपोर्ट कर रहे हो और आगे भी मुझे सपोर्ट करोगे। खुद का भी कभी वीडियो बना लो कॉमेडी वाला। यार देख, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कॉमेडी वीडियो बनाने की, लेकिन पिछवाड़े में गूदा चाहिए कॉमेडी करने का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो में वो दिख रहा होगा। सिंगल? हाँ भाई सिंगल हूँ। हैव यू एवर फेल्ड टू क्विट? यस भाई, क्विट भी 2 टाइप के होते हैं। क्विट में एक तो आप ज़िंदगी से क्विट हो जाओ, या तो फिर आप ज़िंदगी में क्विट हो जाओ। अब ज़िंदगी से क्विट करने वाला तो वो है जो कि सुसाइड कर ले। क्यों? मैंने ज़िंदगी में बहुत क्विट करे हैं, अभी तक क्विट कर करके मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मतलब गिव अप, क्विट और गिव अप एक ही चीज़ है अगर आप ज़िंदगी में क्विट कर रहे हो तो। मैंने बहुत सारे गिव अप करे हैं, मुझे किसी का भी रिग्रेट नहीं है। व्हाई डू यू मेक ग्रीन स्क्रीन?
कीप मेकिंग, थैंक यू भाई, मैं बनाता रहूँगा। और ग्रीन स्क्रीन बस मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसा काम कोई नहीं कर रहा है। वट सॉफ्टवेयर डू यू यूज टू एडिट? फिर से वही क्वेश्चन, मैं फिर से आंसर दूंगा, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। तूने तो कतई महाभारत लिखी है कमेंट में भाई। कितने साल का है, कोई सेटिंग है? मैं 24 साल का हूँ और कंप्यूटर में सेटिंग्स बहुत हैं, वैसे सिंगल हूँ। ब्लड ग्रुप ए प्लस। 10th और 12th की परसेंटेज, 10th में थे मेरे 7.4 CGPA, जिसमें से अगर तू 0.4 हटाएगा तो 70% मेरे 10th में थे, और 12th में थे 63%। मम्मी पापा से मार कब खाई थी? बचपन में। और तेरे लिए डेट याद नहीं रखूंगा मैं। मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 351। जा प्रसाद चढ़ा। कभी लड़ाई हुई है? हाँ भाई बहुत लड़ाई हुई है, मैंने ईटे फेंक फेंक के मारी है बंदों में, स्कूल टाइम में तो ज़्यादा ही। कभी केले को उगते हुए देखा है? भूत और भूत में से कोई सामने आ जाए तो कौन सा हथियार यूज़ करोगे? अगर भूत आया तो हनुमान चालीसा, और भूत आया तो खोपड़ी पर कितने बाल है? ऑन एन एवरेज वी हैव 1 lakh ऑफ हेयर फॉलिकल ऑन आवर हेड एंड ईच कैन ग्रो अबाउट 20 हेयर्स इन अ लाइफ टाइम इंडिविजुअली। सो राइट नाउ आई हैव 95,000 ऑफ हेयर ऑन माई हेड ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस एंड इट इज़ द एवरेज। बीएड कब आए? इट इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, इट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। 10th क्लास में मैंने अपने बालों को ट्रिम करा था कैंची से, और एक बार कट गया था, बच्चों बहुत खून निकला था, ऐसा मुझे पता है सबके साथ ही होता होगा या शायद अब भी हो रहा हो। कौन सा हाथ यूज़ करते हो? खाना खाने के लिए, धोने के लिए, कीबोर्ड के लिए, रिमोट के लिए, हिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए मैं दोनों हाथों का यूज़ करता हूँ। बीजेपी के लोग राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं? या मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? या मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं किसी को जज नहीं करता। हाउ टू ऐड एनी बैकग्राउंड इन ग्रीन स्क्रीन बाय योर फोन? यार इस चीज़ के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, आप मेरे YouTube चैनल पर चेक कर सकते हो, सब कुछ है। ब्रो विदाउट आफ्टर इफेक्ट एनी सॉफ्टवेयर देयर? आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना, सबके अंदर मास्किंग है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन स्क्रीन के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आफ्टर इफेक्ट ही यूज़ करो, ये आपके ऊपर है। मोबाइल प्लेयर को इम्यूलेटर प्लेयर पर एडवांटेज होता है, ये पब्लिक कब समझेगी? तू कभी पब्लिक को नहीं समझा सकता। एक इंडिविजुअल को पकड़ के तू समझा सकता है, लेकिन कभी पब्लिक को नहीं समझा सकता। पब्लिक के अंदर हर टाइप का बंदा होता है, कोई तो उससे एग्री करेगा और कोई नहीं करेगा, तो पब्लिक को तो कोई भी नहीं समझा सकता। अगर एडिटिंग एप्लीकेशन क्रैश होगा और आपने सेव नहीं करा तो कितने आर्स कराए? ये दो उंगली देख रहा है, ये है कंट्रोल, ये है सेव, इनको मैंने ऐसा ट्रेन कर रखा है ना, ये कभी कभी अपने आप ही चलती रहती हैं, दिखा तो कैसे। कंट्रोल सेव, अब ये देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पैक्स, नेवर लाए भाई। ग्रीन स्क्रीन बनाने में कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है वीडियो पे कि वो वीडियो कितनी कॉम्प्लेक्स है, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा टाइम। डू यू वॉच एनिमे? बिल्कुल यार, एनिमे मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं एनिमे के बिना खाना नहीं खा पाता, जब भी खाना खाता हूँ एनिमे ज़रूर देखता हूँ। कैन आई ग्रीन स्क्रीन अ वीडियो इन मोबाइल? बिल्कुल ब्रो, यू कैन ग्रीन स्क्रीन अ वीडियो इन मोबाइल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्यूटोरियल है, देखो। मस्ट यू थिंक आई एम नॉट? यार यार देख, मैं क्या बोलूँ तुझे यार। डू यू यूज़ एसर हेलियस 300? नहीं, जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर हेल्प टू मीमर्स फॉर मीम्स, वेलकम ब्रो। फेवरेट मीमर? यार देख, कोई फेवरेट मीमर नहीं है, बाकी मैं किसी को जज नहीं करता। मीम्स और ग्रीन स्क्रीन? यार देख, टोटली मैं मीम्स को ही चुनूंगा, क्योंकि अगर मैं मीम बना रहा हूँ तभी मैं ग्रीन स्क्रीन बना रहा हूँ। ग्रीन स्क्रीन जब भी मैं बनाता हूँ ना कुछ सोच के बनाता हूँ, हर ग्रीन स्क्रीन के पीछे कोई ना कोई मीम होता है मेरा अपना। बाकी वो मीम मैंने बनाया नहीं बनाया, लेकिन मैं सोचता जरूर हूँ कि इस पर क्या चीज़ मीम बन सकती है, और इसी प्रिडिक्शन के साथ मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं सोच सकता हूँ इस पर कोई मीम बन सकती है तो तुम भी बना सकते हो, इसलिए उस चीज़ की ग्रीन स्क्रीन बन जाती है। साइमन ऑफ प्यूडीपाई? यार देख, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं किसी को जज नहीं करता, जो जैसा है वो वैसी रहे। कैन यू डांस? वाई डू यू लेफ्ट द जॉब? जॉब छोड़ने का सिर्फ एक ही मेरे पास रीज़न है, वो है मेरा टाइम। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था जॉब के अंदर, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। जब मैंने सारी की सारी अपनी जॉब छोड़ी, अपना मन बना लिया हाँ आपको जॉब नहीं करनी है, बस यही करना है, तो बस मैं इस पर कूद गया। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? बिकॉज इट कंटेन रिच एंड डार्क लिक्विफाइड चॉकलेट इन इट।
एंड द स्वीट सब्सटेंस इज कवरिंग इट. व्हेन दिस गोज इनटू आवर माउथ आवर रिसेप्टर फील दैट स्वीटनेस ऑफ दैट डार्क चॉकलेट. हैंस मेलेडी इज सो चॉकलेटी. अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में. तो जाते जाते बस मैं एक ही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना. अब इस Q&A वीडियो में जितने भी मैंने आंसर दिए मैं ट्राई करा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में दूँ. तो मेरी बात का कोई भी बुरा मत मानना, अगर बुरा मान भी लिया तो मेरा कुछ नहीं जाता, मजाक करो ये भी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आप सभी का थैंक यू. तो अब ये वीडियो देखने के बाद एक तो नहाता हूँ धोता हूँ वो भी कर लेता हूँ. अबे ये कैसा क्वेश्चन है.